हाय गाइस, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बना रहे हैं रवा केक। बहुत से लोग रवे को सूजी भी कहते हैं, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही चीज़ है। रवा थोड़ा सा पतला होता है और सूजी थोड़ी सी मोटी होती है, तो आज हम उसका केक बना रहे हैं। मैं उसे रवा केक ही बोलूँगी। रवा केक आज हम बना रहे हैं। सारे इंग्रेडिएंट हमेशा की तरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिख दिए हैं, आप वहाँ से उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं और रेसिपी के साथ साथ चाहें तो उसे बना भी सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है आपको याद है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस केक को बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका केक कैसे बना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और जब भी आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए ताकि कोई भी अंकिता व्लॉग्स पे आने वाला वीडियो, फिर वो बेबी केयर का हो, मदर केयर का हो या कुकिंग से रिलेटेड हो, आपको एकदम अपलोड करते के साथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अंकिता व्लॉग्स के सारे व्लॉग्स को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। रवा केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे दही। दही को हमें अच्छी तरह से फेंटना है। यहाँ मैंने हाफ कप दही लिया है और इसे मैं विस्कर से अच्छी तरह से फेंट लूँगी। आप चाहें तो चम्मच से भी ये काम कर सकते हैं, पर ये बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरह के लम्स ना रहें, बिल्कुल अच्छा पतला हो जाए दही। तो इसे अच्छी तरह से आप फेंट लीजिए, कुछ इस तरह से दिखेगा फेंटने के बाद। दही को फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक कप शक्कर। शक्कर पीसी हुई शक्कर यहाँ मैंने यूज़ की है, एक कप पीसी हुई शक्कर आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसे भी दही के अंदर अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल यानी तेल। तेल से इसमें अच्छा मॉइस्चर आ जाएगा, इसलिए तेल डालना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। यहाँ मैंने हाफ कप मैदा लिया है। अगर आप मैदा ज़्यादा नहीं डालना चाहते हैं तो आप रवे में उसे इंक्लूड करके रवा उतना ले सकते हैं। मैंने डेढ़ कप रवा लिया है। अगर आपको मैदा कम डालना है तो उतनी क्वांटिटी रवे की आप बढ़ा दीजिए। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे, फेंट देंगे। यहाँ मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है केक में, हर चीज़ अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ये ज़रूरी है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। वन कप दूध का मैंने इंग्रेडिएंट नीचे लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इसमें से आधा दूध इसमें डालना है, करीब आधे से थोड़ा ज़्यादा, और बाकी का दूध आप बचा लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। दूध को अच्छी तरह मिलाने के बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए, ये पूरा जो हमारा बैटर है इसे हम साइड में रख देंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। और तब तक हम हमारा जो पैन है उसे गर्म करने रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये हमें कुछ 7 से 8 मिनट के लिए इसे रखना है। और आप चाहें तो कढ़ाई या कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बिना विसल के कुकर को यूज़ करें। अभी हमारा जो बैटर है 10-15 मिनट बाद कुछ इस तरह हो जाएगा। और अब जो बचा हुआ दूध हमने रखा था ना, उस दूध को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर हमारा एकदम रेडी है अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एकदम थोड़ा सा डालना है। और उसके साथ हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, पूरी तरह ऑप्शनल है, बट इलायची डालने से टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, तो हम इसके अंदर इलायची डाल रहे हैं। इसे भी अच्छी तरह मिला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। अगर आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और मैं क्योंकि अपनी बेबी को भी ये केक देने वाली हूँ, इसे मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, मैंने टूटी फ्रूटी डाली है जो थोड़ा बच्चों को चबाने में भी आसान रहती है। तो हमने मैंने एक कप टूटी फ्रूटी थी, आधी टूटी फ्रूटी डाली है। और अब इसको मैं जो है पूरा जो हमारा ग्रीस किया हुआ तेल से मैंने ग्रीस किया और जो मेरा मोल्ड था उसके अंदर मैं पूरा डाल दूँगी और एकदम बराबर करके इसे धीरे से चम्मच से जो है हम एकदम प्लेन कर देंगे। थोड़ा सा ठोक लीजिए उसके जो मोल्ड को, तो वो थोड़ा सा एकदम बराबर हो जाएगा। और अब जो बची हुई टूटी फ्रूटी हाफ कप हमने बचाई थी एक कप में से, वो ऊपर थोड़ा सा उसे डेकोरेट करने के लिए हम यूज़ करें। अब हमारा पैन भी इतनी देर में थोड़ा सा गर्म हो गया, अच्छा प्री हीट हमने किया जिसे, तो 35 से 40 मिनट्स के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। 35 से 40 मिनट्स के बाद जब हम केक को चेक करेंगे तो हमें देखना है कि हम जो भी चीज़ डाल के देख रहे हैं गीला ना रहे, सूख चुका है हमारा केक, एकदम बढ़िया हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे मैंने ठंडा होने दिया है और ठंडा होने के बाद अब मैं इसे
एक प्लेट में निकाल लूंगी और ये बिल्कुल रेडी है केक। आप अगर चाहें कि आपको पूरा रवे का बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैदा डालने से इसमें जो क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहता है, तो थोड़ा सा मैदा ज़रूर डालें। और ये बिल्कुल रेडी है, और अब मैं देखिए आपको काट के भी बता रही हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, बहुत ही आसानी से इसके सारे पीस हो गए हैं और ये बहुत टेस्टी बना है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और ख़ुद भी खाएं और घर में भी सभी को खिलाएं। इट्स रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।